गुड मॉर्निंग बच्चों, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद ये लेक्चर समझ में ठीक से आएगा। फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ कुछ दिखेगा लिंक, और इस लिंक को टच करना है और पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लेना है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक में पढ़ लिया कि सेल क्या होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह से संसार में छोटे बड़े हर प्रकार के घरों के निर्माण में, सभी प्रकार के घरों को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों का यूज किया जाता है, उसी तरह से संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे जीव हों चाहे बड़े जीव हों, उन सभी जीव के शरीर को बनाने के लिए छोटे छोटे सेल्स का यूज किया गया है। ये भी जान चुके हैं कि सेल की डिस्कवरी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो डेड सेल था। लिविंग सेल की डिस्कवरी 1676 ईस्वी में एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक ने किया था। याद है ये सब कि भूल गए? याद है। अगर याद है तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने एक पुस्तक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक ने कौन सा बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, आंसर में लिख के भेजना है, कमेंट करके लिखना है, ठीक है। तो बताना है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सा बुक लिखा था, बुक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना है, ठीक है। हम चेक करेंगे कमेंट को, ठीक। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। देखो, हम लोग सेल के टाइप को समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, मीसोकैरियोटिक सेल होता है। ये हम लोग अगले दो लेक्चर तक में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि हमारे बॉडी में जो सेल है ये कहलाया एनिमल सेल, प्लांट्स में जो सेल है वो कहलाया प्लांट सेल, ठीक है। हमारे बॉडी में जो भी सेल है एनिमल सेल, प्लांट्स में जो सेल है वो कहला गया प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में कुछ अंतर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के स्टडी के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो माइक्रोस्कोप होता है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो है 200,000 से 2,000,000 टाइम्स, मतलब 200,000 गुना से 2,000,000 गुना जूम करके वो किसी भी छोटे छोटे वस्तु को दिखा सकता है। तो सेल को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वह काफी ज्यादा बड़ा दिखेगा, और उसके अंदर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या क्या नाम होता है, आज हम लोग यही सब चीज को समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। जब दोनों का स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर को भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो एनिमल सेल दिखाई पड़ता है उसका फिगर हमने बना दिया है, और यहाँ पर अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में कुछ मिसिंग है, अभी हम इसको पूरा करेंगे, सभी पार्ट्स का नाम भी लिखेंगे। समझते चलना है और इस फिगर को तुम सब अपने कॉपी में भी बना लोगे, ठीक है। जरा सा इस स्ट्रक्चर को एक बार बढ़िया से देख लो। एनिमल सेल को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। हालांकि अलग अलग एनिमल सेल के साइज में, उसके शेप में बहुत सारा अंतर देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक कॉमन टाइप का एनिमल सेल ये हम बनाए हुए हैं और हर तरह के स्ट्रक्चर को हम इसमें बना दिए हैं। अभी हम इसमें समझा करके नाम लिखेंगे, ठीक है। समझो, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक एनिमल सेल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एनिमल सेल के सबसे बाहर एनिमल सेल
चारों ओर से, ध्यान से समझते चलना है, एनिमल सेल चारों ओर से एक पतली झिल्ली से घिरा होता है। एनिमल सेल चारों ओर से एक पतली झिल्ली से, देखो एक पतली झिल्ली से चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। इस पतली झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सभी नाम को ध्यान से सुनना है, इसको याद भी कर लेना है, अगले क्लास तक में फिर याद हो जाना चाहिए, आज ही इसको याद कर लेना है सभी नाम को। वैसे नाम सब याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हम इतना बार ही नाम बोलेंगे ना कि ऐसे भी याद हो जाएगा, लेकिन अपने तरफ से प्रयास करना है। तो हम समझ गए कि एनिमल सेल के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सबसे अंदर आते हैं, एनिमल सेल के सबसे बीच में एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। एनिमल सेल के सबसे बीच में एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इस गोल स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियस केंद्रक, न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के बहुत सारे भाग होते हैं, तो न्यूक्लियस में कौन कौन सा पार्ट होता है उसका नाम हम लिख रहे हैं। हम देख रहे हैं इस फिगर में कि न्यूक्लियस चारों ओर से डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। न्यूक्लियस चारों ओर से, देखो तो एक मेम्ब्रेन ये है, दूसरा मेम्ब्रेन ये है, तो ये डबल चारों ओर से घिरा हुआ तो है, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस डबल, ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो डबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान से समझते चलना है, न्यूक्लियस चारों ओर से डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इस डबल मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र होता है। देखो यहां पर एक छिद्र है, यहां भी एक छिद्र है, यहां भी छिद्र है, यहां भी छिद्र है, इस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र होगा। इस छिद्र को, ये जो छिद्र है, इस छिद्र को कहते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये छिद्र कहला गया न्यूक्लियर पोर। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर में, ये न्यूक्लियस के अंदर में एक लिक्विड भरा रहता है, एक गाढ़ा लिक्विड भरा रहता है, तो उस लिक्विड को, वो जो गाढ़ा टाइप का लिक्विड रहता है, इस लिक्विड को, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उस लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर में एक लिक्विड भरा होगा, उस लिक्विड को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उस न्यूक्लियोप्लाज्म में, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में उलझे हुए धागे जैसी संरचना पाई जाती है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ इस तरह से उलझे हुए धागे जैसी संरचना पाई जाती है, और इस धागे नुमा संरचना को हम कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेटवर्क, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, या क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन रेटिकुलम। ठीक, अब देखो ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर में एक छोटा सा गोलाकार स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है। देखो एक छोटी सी गोल रचना पाई जाती है, इस गोल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखे कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो डबल मेम्ब्रेन होती है, उस डबल मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें छिद्र प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही उलझा हुआ धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन रेटिकुलम, और फिर उसी के अंदर में एक छोटी सी गोल स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इस गोल स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। ठीक, अब इन सारे स्ट्रक्चर को अगर हम मिला दें, इतना एक साथ मिला दें, तो फिर ये कहलाता है
ये कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, अब देखो, अब बात को समझना। ये सबसे बाहर में हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये बीच में हो गया न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो गैप है, यहां पर भी एक लिक्विड भरा रहता है। ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, ये हुआ न्यूक्लियस, तो इसके बीच में ये जो गैप है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को, यहां जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देखो, इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम एक साथ मिला दें तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ मिलाएंगे तो वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो लिख देते हैं, इस दोनों को एक साथ मिला देंगे तो ये कहलाएगा क्या? जैसे लिख देते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। सेल के अंदर, सेल के अंदर जो भी लिक्विड है वही कहला गया प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। इस प्रोटोप्लाज्म का दो भाग, प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ मिलाकर के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर ये जो प्रोटोप्लाज्म नाम का लिक्विड है, यही लिविंग लिक्विड होता है। सेल लिविंग क्यों होता है? कोशिका जीवित क्यों होता है? आखिर क्या है कोशिका के अंदर में? हमने तो ये बता दिया कि छोटे बड़े हर प्रकार का घर बना हुआ है ईंटों के मिलने से। ठीक है, और जीव का शरीर बना हुआ है सेल्स के मिलने से। तो जीव तो जीवित है लेकिन घर जीवित क्यों नहीं है? आखिर क्या डिफरेंट है? तो अंतर यह है कि सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म नाम का जीवित द्रव्य पाया जाता है, ईंट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए घर जीवित नहीं होता है। लेकिन कि सेल के अंदर का जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड ही जीवित होता है, और इसलिए सेल से मिलकर के जो बना हुआ जो जीव है वो जीवित होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। हम ये जान गए कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है, इसमें एक लिक्विड भरा है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। दिखाई पड़ रहा है, ये सब स्ट्रक्चर काफी अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उस सभी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनिल्स, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनिल्स यानी कि कोशिकांग। तो कौन कौन सा सेल ऑर्गेनिल्स है अभी हम लोग केवल नाम समझेंगे, सबका हम लोग फंक्शन भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है सेल, तो पूरा चैप्टर हम लोग सेल के फंक्शन को ही समझेंगे। सेल के अंदर में ये माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से काम करता है, ये लाइसोसोम किस तरह से काम करता है, ये गोल्जी बॉडी किस तरह से काम करता है, सब चीज पढ़ेंगे। अभी केवल नाम से मतलब है। ठीक है, हम कुछ नाम लिख रहे हैं, जरा सा देखना ध्यान से। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही निकला हुआ है टेढ़ी मेढ़ी नली और एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया है। टेढ़ी मेढ़ी नली है और एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है। इधर भी है ये और यहां भी है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये भी हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है। क्या अंतर? तो हम देख रहे हैं कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सतह पर, इसके सरफेस पर राइबोसोम चिपका हुआ। ये जो महीन महीन कण जैसा स्ट्रक्चर चिपका हुआ है ना, दानेदार स्ट्रक्चर, इसका नाम है राइबोसोम। तो यहां पर राइबोसोम चिपका हुआ है और यहां पर राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है
उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिख देते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलेंगे RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सतह पर तो इस तरह का कोई राइबोसोम प्रेजेंट है नहीं, तो हम इसको बोलेंगे स्मूथ, इसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस दाने का क्या नाम है? ये जो महीन कण है, इस महीन का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम सेल के अंदर का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स होता है। राइबोसोम से भी ज्यादा छोटा कोई और सेल ऑर्गेनल होता नहीं है, मतलब सेल के अंदर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम ही होता है। ये राइबोसोम अभी हम देख रहे हैं कि RER की सतह पर चिपका हुआ है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पर भी चिपका हुआ है। ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में जहां तहां बिखरा हुआ भी है, देख लो, है ना, बिखरा हुआ। और राइबोसोम यहां पर ग्रुप बना करके है, एक झुंड बना करके है कि नहीं। तो जब राइबोसोम ग्रुप में रहता है, बहुत सारे राइबोसोम एक साथ झुंड बना करके रहता है, तो राइबोसोम के उस ग्रुप को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, या इसको बोलते हैं पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, या फिर बोलते हैं पॉलीसोम। क्लियर? आगे देखो क्या है, हम देख रहे हैं कि यहां पर ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, वन पीस है, टू पीस है, इसका नंबर कुछ भी हो सकता है, हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन होता है, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाता है लाइसोसोम। ठीक है, ये हो गया लाइसोसोम। ठीक, ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम हो गया। न्यूक्लियस के बगल में एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, अभी तो स्टार जैसा दिखता है नहीं, लेकिन वास्तव में ये स्टार टाइप का ही दिखता है। और रियल में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसका हम लोग, इसके बारे में हम लोग आगे ठीक से पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर इतना पूरा मिलकर के कहलाता है गॉल्जी बॉडी, या इसको बोलते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी एपरेटस, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी एपरेटस। ठीक है, अब यहां पर हमें कुछ महीन महीन धागा टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहां कुछ छोटी छोटी एंजाइम की थैली पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेरोक्सीसोम, ये कहला गया पेरोक्सीसोम। ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सभी एनिमल सेल में नहीं होता है, किसी खास खास एनिमल सेल में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, क्या है? तो यहां पर देख रहे हैं कि लंबा धागा जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सीलियम। ठीक है, ये कहलाता है सीलियम। सीलियम का जो बेसल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, ये कहला गया बेसल बॉडी। और यहां हमें छोटी छोटी अंगुली के समान उभार दिखाई पड़ रही है, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर सभी एनिमल सेल में नहीं रहेगा, किसी किसी में रहेगा, खास करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं,
उनमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हमें सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक धसाव दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी एक धसाव दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो एक धसाव कहला गया इंडोसाइटोटिक वेजाइकल और एक कहला गया एक्सोसाइटोटिक वेजाइकल। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाहर से फूड को अंदर लेते हैं, बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जहां से भोजन को ग्रहण किया जाता है वहां एक गड्ढा बनता है सेल मेम्ब्रेन में, उस धसाव को बोलते हैं इंडोसाइटोटिक वेजाइकल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसे सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से बाहर त्याग भी दिया जाता है। तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई सूक्ष्मजीव अपने अनडाइजेस्टेड फूड को सेल मेम्ब्रेन के जिस जगह से बाहर त्यागता है, तो त्यागने के टाइम में भी एक गड्ढे का निर्माण होता है और ये वाला गड्ढा कहलाता है एक्सोसाइटोटिक वेजाइकल। तो ये कुछ स्ट्रक्चर सीलियम, माइक्रोविलाई, बेसल बॉडी, फिर ये इंडोसाइटोटिक वेजाइकल, एक्सोसाइटोटिक वेजाइकल, ये सब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सभी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, किसी किसी एनिमल सेल में होता है या फिर कभी कभी बनता है। जैसे इंडोसाइटोटिक वेजाइकल, एक्सोसाइटोटिक वेजाइकल, ये सब स्ट्रक्चर हमेशा के लिए प्रेजेंट नहीं रहता है। जब फूड लेना है, जब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करना है, तो फिर इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा और फिर ये स्ट्रक्चर फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एनिमल सेल के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझ लिया। और एक बार ध्यान से देख लो, अभी हम बगल हटते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, कॉपी में इसका फिगर बना लेना है। अभी हम प्लांट सेल के फिगर के साथ वापस आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक, आ रहे हैं प्लांट सेल के फिगर के साथ। अभी आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल का फिगर। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लांट सेल को देखते हैं तो वो इसी तरह का दिखाई पड़ता है। प्लांट सेल में सबसे बाहर एक मोटी वाल पाई जाती है और उस मोटी वाल को कहते हैं सेल वाल। जैसे कि एनिमल सेल में सबसे बाहर एक पतली झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में भी पतली झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है। देखो यहां पर ये अंदर वाली लेयर जो है, सबसे अंदर वाली जो पतली सी झिल्ली है चारों ओर से, वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहां पर सेल मेम्ब्रेन के बाहर मोटी वाल पाई जाती है, प्लांट सेल के सबसे बाहर की ओर चारों ओर से घिरा हुआ रहता है एक मोटी दीवार। इस मोटी दीवार को कहते हैं सेल वाल और सेल वाल के ठीक अंदर में प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सबसे अंदर वाली जो लाइन है, सिंगल लाइन, वह एक पतली मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो बहुत सारा लाइन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब यह है, देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाली झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अब यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से यहां तक ये हुआ सेल वाल और फिर बगल में एक और सेल वाल है। क्या है कि ये एक प्लांट सेल है, इसके बगल में एक दूसरा भी प्लांट सेल होगा, इसके बगल में फिर और भी प्लांट सेल होगा, इसके बगल में और भी एक प्लांट सेल होगा। तो बहुत सारा प्लांट सेल आपस में चिपका हुआ रहता है, ढेर सारा प्लांट सेल आपस में चिपका हुआ रहता है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां से लेकर यहां तक हो गया एक सेल वाल, यानी इस सेल की सेल वाल, और फिर अब यहां से यहां तक जो दिखाई पड़ रहा है वाल, ये रियल में बगल वाले सेल का सेल वाल है। यानी इधर जो सेल होगा ना, उसका ये वाला सेल वाल है और इस प्लांट सेल का ये वाला सेल वाल है और उसके अंदर में पतली सी जो झिल्ली है वो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम समझ गए कि प्लांट सेल में सबसे बाहर एक मोटी दीवार पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल वाल और सेल वाल के ठीक अंदर में प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल वाल है इसमें बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। देखो सेल वाल में बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र है कि नहीं? इस छिद्र को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ये छिद्र कहलाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, अब देखो एनिमल सेल में सबसे बीच में न्यूक्लियस था कि नहीं?
लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि सबसे बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। सबसे बीच में देखो एक बड़ी सी थैली है, इसके अंदर में निर्जीव द्रव भरा रहता है। इस वैक्यूल के अंदर में एक निर्जीव द्रव भरा रहता है, एक नॉन लिविंग लिक्विड प्रेजेंट रहता है। ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है। देखो एक बड़ी सी थैली का निर्माण हो गया है, इस बड़ी सी थैली को हम बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल, वैक्यूल की जो झिल्ली है चारों ओर से, वैक्यूल को घेरने वाली जो झिल्ली है, इस झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट के अंदर जो निर्जीव द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं सेल सैप। तो ये झिल्ली कहला गई टोनोप्लास्ट, इसके अंदर का नॉन लिविंग लिक्विड कहला गया सेल सैप, और दोनों को मिलाकर के बोलते हैं वैक्यूल। प्लांट सेल का यह एक पहचान है कि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, एक बड़ा सा वैक्यूल यहां पर देखने के लिए मिलता है। और ये जो लार्ज वैक्यूल है यह प्लांट सेल के लगभग 90% हिस्से को छेक लेता है। ये जो बड़ा सा वैक्यूल है ये रियल में और भी ज्यादा बड़ा होता है। हमको बाकी सारे पार्ट्स का फिगर साफ सुथरा बनाना था तो थोड़ा सा छोटा ही बनाए हैं वैक्यूल, लेकिन वैक्यूल रियल में और ज्यादा बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि पूरे प्लांट सेल के 90% जगह को ये छेक लेता है, और बाकी सभी पार्ट्स जो है वो 10% हिस्से में वो सेल मेम्ब्रेन के किनारे चला जाता है। तो जो न्यूक्लियस बीच में रहना चाहिए, बीच में वैक्यूल बन गया और इस वजह से न्यूक्लियस चला गया किनारे में, साइड में चला गया। तो यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जिस तरह से एनिमल सेल में बताए चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होगा जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छिद्र होगा जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में उलझा हुआ धागा होगा जिसको बोलेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क, और उसी लिक्विड में प्रेजेंट है एक छोटा सा गोल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इन सभी पार्ट्स को मिलाकर के बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है और इसमें जो लिक्विड है उस लिक्विड को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। देखो यहां लिखा हुआ है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तरह तरह का सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जैसे अब हम देख रहे हैं कि ये हो गया लाइसोसोम, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हो गया पेरोक्सिसोम, ये है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। एनिमल सेल का जो गोल्जी बॉडी होता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, और प्लांट सेल का जो गोल्जी बॉडी होता है ये थोड़ा सा सिंपल टाइप का होता है। तो प्लांट सेल के इस सिंपल टाइप के गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। प्लांट सेल के इस सिंपल टाइप के गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। यहां पर यह है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, यह है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, यह है राइबोसोम, ठीक है। प्लांट सेल में एक खास बात यह होता है, इस फिगर में यहां ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लास्टिड जो है क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अभी बस ये समझ लो कि प्लांट सेल में, ज्यादातर प्लांट सेल में एक ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। आ रहा है समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लेना है और सभी पार्ट्स को जो है ध्यान से समझना है, नाम भी याद रखना है, फिगर भी बनाने का प्रयास करना है। इस चैप्टर में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के फिगर को समझना बहुत जरूरी है। यही सब चीज को हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में सेल की कहानी को ही समझना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को बहुत ही बढ़िया से समझ लो, इसको याद कर लो, पूरा चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। और अगर अभी नहीं समझे फिर पूरा चैप्टर में दिक्कत होगा, ठीक है। तो अभी कुछ अंतर भी हम लोग समझेंगे, प्लांट सेल एनिमल सेल में हम कुछ अंतर भी समझेंगे। जैसे कि इस फिगर में अभी सेंट्रोसोम नजर नहीं आ रहा है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम था, यहां पर सेंट्रोसोम नहीं है। यहां पर यह क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं था। यहां पर यह बड़ा सा वैक्यूल है, एनिमल सेल में तो यह सब नहीं था। यहां पर सेल वाल है, एनिमल सेल में तो नहीं था। इस तरह से कुछ अंतर भी, कुछ मुख्य मुख्य अंतर को भी अभी तुरंत हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना है। हम आते हैं अगले पेज के साथ। तो अब हम सब प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। फिगर ध्यान में है ना,
फिगर ध्यान में रखना पड़ेगा तो फिर हम लोग आसानी से अंतर को समझ सकते हैं। देखो लिखे हैं एक तरफ प्लांट सेल, एक तरफ एनिमल सेल। क्या लिखा है प्लांट सेल में? सेल वॉल प्रेजेंट, यानी प्लांट सेल में तो सेल वॉल होता है अभी हम लोग देखे, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट अभी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाए थे ना, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड वो प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट फंजाई। फंजाई को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी प्लांट सेल होगा उसमें प्लास्टिड और प्लास्टिड के रूप में ज्यादा करके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन इस तरह का क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। ठीक है, फिर देखो क्या है प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, एक बड़ा सा वैक्यूल जो बोले ना 90% भाग को छेक लेता है, इस तरह का तो एनिमल सेल में था नहीं। तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है लेकिन कि एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल एब्सेंट रहता है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल एब्सेंट, और फिर क्या लिखा हुआ है स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट इन सम एनिमल सेल, मतलब कुछ एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल काफी ज्यादा संख्या में पाया जाता है, कुछ एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा लेकिन कि लार्ज वैक्यूल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर देखो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, बोले न्यूक्लियस से सटा हुआ स्टार लाइक स्ट्रक्चर, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में सिंपल टाइप का गोल्जी बॉडी पाया जाता है, एनिमल सेल में कॉम्प्लेक्स टाइप का गोल्जी बॉडी पाया जाता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम का नंबर बहुत ही कम होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर है प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम संख्या में पाया जाता है, प्लांट्स एनिमल सेल की तुलना में प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है लेकिन प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हो गया? ठीक, तो आज के क्लास में हम लोगों ने समझा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसके सभी पार्ट्स के नाम को भी हम लोग बढ़िया से हम लोग समझ गए। ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग समझ गए। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेल थ्योरी के बारे में समझेंगे, सेल से रिलेटेड बहुत सारे टर्म को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और फिर जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स होता है सबको हम लोग बारी बारी से डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।